सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज उपस्थित हो गया हूँ बागवानी की दुनिया में। हालांकि मौसम अभी अक्टूबर का है, माहौल भी अक्टूबर का है, और मौसम और माहौल के साथ साथ महीना भी अक्टूबर का है। मौसम के बारे में इसलिए बात हो रही है कि मानसून वापसी की ओर है, लेकिन रिमझिम फुहारों के बीच बागवानी कुछ ना कुछ चलते रहनी चाहिए। आप जब कुछ करेंगे इसके बाद ही परिणाम का। तो जो भी गार्डनर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस जानकारी से अवगत कराना चाहूँगा कि आप कुछ भी अपनी बगिया में एक्टिविटीज़ करेंगे तो 40 से 50 दिन के बाद वो सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी। और सर्दियों के लिहाज से यदि हम बात करते हैं तो अभी का समय बिल्कुल अनुकूल है, रिमझिम फुहारों के बीच आपकी बागवानी चलती रहनी चाहिए। आज बात करेंगे विशेष रूप से कि बागवानी में जो हम लोगों के घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत लगती है, उनमें से एक है किचन में मिर्च के बारे में। हरी मिर्च, ग्रीन चिली, और ये लौंका के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि मिर्च के पौधे को कैसे चलाना है, इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। यूं तो किचन में बहुत ज़्यादा मिर्च की ज़रूरत नहीं लगती है, फिर भी मिर्च ना रहे तो आपके किचन में, आपके जो भी आप किचन में खाना पकाते हैं उसमें जायका कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। और मिर्च के बारे में ये भी कहावत है कि ज़रूरी है आपके शरीर के रक्त संचालन के लिए। तो आप अपने भोज्य पदार्थ में, खान पान में यदि मिर्च को शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ भी रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन के तत्व भी मिलते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि किचन गार्डन में जब कुछ आप कर रहे हैं तो आप मिर्च को भी शामिल कीजिए और मिर्च को भी लगाइए। लेकिन बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे मिर्च में मरोड़िया रोग आ जाता है, मिर्च अच्छा नहीं चल पाता है, और वो क्या ऐसा कारण है कि नहीं चल पाता है। तो इसी कारण पर और बात करते हैं कि आपको जब मिर्च लगाना है तो कैसे लगाएंगे। हालांकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, छोटे छोटे जगह में भी मिर्च को लगाने का प्रयास किया है, जिसमें आप देखेंगे कि ये मिर्च अच्छे से आ रहा है। और मेरा अपना ये भी मानना है कि बहुत सारे लोग गार्डनिंग कर रहे हैं और बालकनी है, फ्लैट में रहते हैं, उनके पास बहुत स्पेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कौन सी ऐसी तरकीब है जिससे कि मिर्च उनके बालकनी में भी लग सके, इसी पर हम लोगों ने कुछ काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि वो सब चीज़ें आपको बताएं, तो आप बने रहें और देखें, एंजॉय करें। छोटे छोटे जगह में लगाकर हम लोग सेपरेट तो करते ही रहते हैं जिससे कि आने वाले समय में ये लगे और मिर्च आगे भी चलता रहे। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हर एक स्टेज में जब हमने काम किया, चाहे वो छोटा सा जगह हो, इसके बाद हमारे पास छोटा सा ये नर्सरी बैग है और छोटे छोटे गमले भी हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस का एरिया है। गार्डनर्स अपने तरफ से तो पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिसिंग वाले पार्ट में आ जाती है और वो डेवलप नहीं हो पाता है। खास करके पौधों का बनना, पौधों का विकास होना, फ्लावरिंग आना, फिर फ्रूट बनना, और इसके बाद फ्रूट को आप हार्वेस्ट भी करना शामिल है। हमने यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट किया है कि एक साथ बहुत सारे पौधों को हमने एक गमले में छोड़ रखा था, ये देखने के लिए कि क्या ये ओवर क्राउडेड होने की वजह से हमारे पौधे सही चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमने देखा कि सॉयल मिक्स का कॉम्बिनेशन अच्छा रखा, न्यूट्रिएंट अच्छा दिया, मेंटेनेंस अच्छा हुआ, तो ये बिल्कुल सही भी चल रहा है। ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि जब ज़्यादा गर्मी का समय आ जाता है तो उस समय में आपको ये बचा के रखना होता है। और आप देख सकते हैं कि अच्छे किस्म के यदि आपने बीज का चयन किया है तो मिर्च भी शानदार इसमें लग रही है। और जितने भी पौधे हैं लगभग सभी स्वस्थ हैं और सभी अच्छे से चल रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी कीड़ों का प्रकोप या देखें तो लीफ कर्ल का प्रकोप, ये सारी चीज़ें नहीं आई है। तो क्या ऐसे कारण है कि ये सारी चीज़ें, इससे बचाव हम लोग कर सकते हैं, और बचाव के लिए जो बेसिक है उसी बेसिक पर अभी बात करते हैं। जब कभी हम बात करते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, जगह की कमी है, साधन की कमी है, धूप ज़्यादा नहीं आता है, और धूप के ना आने के बावजूद भी हम लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ फसल लगे, तो हमने यहाँ पर मिर्च को भी रखा था और ये अलग अलग जगह में रखकर देखा था कि क्या हो रहा है। हालांकि थोड़ा ओपन स्पेस है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि जहाँ शेड है, कम धूप आ रहा हो, वहाँ पर भी हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो हमने ये यहाँ तक मिर्ची को ये कोशिश किया, तो यहाँ देखिए ये भी बिल्कुल स्वस्थ है। थोड़ी बहुत परेशानी आई है इस मिर्च में, धूप की रोशनी यदि कम लगी है तो उससे ये भी हुआ है कि इस पौधे का विकास बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पत्तों को देखेंगे तो थोड़ा येलो हो रहा है बहुत, और इसमें कुछ डिमेरिट है, मेरे तरफ से भी है। लेकिन जब हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्लावरिंग, पॉलिनेशन, और अब ये मैच्योर आपके पास मिर्च लगा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है कमी वो लगभग
कमियों को ना देखा जाए, नजरअंदाज यदि करते हैं, तो यहाँ तक हम इस जर्नी को पहुँचा चुके हैं, जो कि बालकनी में भी गार्डनिंग और बालकनी में भी हम कर सकते हैं। ध्यान ही रखना होगा, यदि आप बालकनी में करते हैं तो पॉलिनेटर्स आएँ या हैंड पॉलिनेशन हो। हमारे यहाँ पॉलिनेटर्स आते हैं इसलिए हमें ये परेशानी नहीं आई है, फिर भी हैंड पॉलिनेशन यदि करेंगे तो उससे भी रिजल्ट अच्छा आ जाता है, बालकनी में भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के ये बात करते हैं कि ये कैसे संभव हुआ है, और इस असंभव कार्य को, खास करके अर्बन किचन गार्डनिंग को यदि हम लोग कर रहे हैं, चैलेंज ले रहे हैं, और घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, तो उसमें सबसे अहम और मेरिट वाला जो काम है वो है सॉइल मिक्स प्रिपरेशन। जब आप सॉइल मिक्स अच्छे किस्म का बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बगिया भी सजने लगी है, और हमने इसी पर काम किया है। सॉइल मिक्स के बारे में यदि बात करते हैं तो हमने अलग अलग तरह के पौधों को चलने के लिए और चलाने के लिए उनके सॉइल मिक्स पर काम किया है, जो कि हमारे फार्मूलाज अलग अलग बने हुए हैं। फार्मूला को हम देखते हैं तो ये पौधों के चलने के लिए और उसके सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले मिट्टी पर काम करें। यदि आप कहीं से भी मिट्टी लेके आते हैं तो पूरे सॉइल मिक्स को बनाइए, क्योंकि आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, जमीन में खेत का नेचर अलग है और कंटेनर गार्डनिंग में जो सॉइल मिक्स बनाते हैं उसका नेचर बिल्कुल अलग है। इस जगह मैं एक बात और जोड़ देता हूँ कि यदि मिर्च की बात करते हैं तो क्या सॉइल मिक्स होना चाहिए, तो ये भी सुन लीजिए, और यदि आप बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो आइए बात करते हैं अंत में, इस पूरे चरण के अंत में, कि सॉइल मिक्स का प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, खास करके मिर्च के पौधों को लगाने के लिए। स्वस्थ पौधों के लिए जरूरी है कि सॉइल मिक्स का अच्छे तरह से बनाना, और इस सॉइल मिक्स की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले 10 किलो मिट्टी लीजिए, गार्डन सॉइल, नॉर्मल सॉइल कहीं से भी आप लेके आ सकते हैं, इसमें 2.5 किलो कंपोस्ट मिलाइए। ये कंपोस्ट सभी तरह के कंपोस्ट का मिक्स भी हो सकता है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट है, काउडंग कंपोस्ट है, और इसके साथ साथ अभी यदि बात करते हैं तो ये बात होती है कि आपको नदी का रेत लेना है, और नदी के रेत के साथ साथ नीम खली के साथ साथ लेना है पत्तों का खाद, और हल्दी, चूना, काली मिर्च मिलाना है। इन सभी को मिलाने के बाद एक प्रॉपर वे में सॉइल मिक्स आप जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी शानदार सॉइल मिक्स बन गया है। तो अब ये प्रपोर्शन क्या है इसे समझिए। यदि आप घर में कर रहे हैं, आसानी से करना चाहते हैं, तो भी आप समझिए, 10 किलो मिट्टी लीजिए, साथ में 2.5 किलो मिक्स्ड कंपोस्ट लीजिए, 2.5 किलो नदी का रेत लीजिए, 1 किलो नीम की खली होनी चाहिए, और 1 किलो पत्तों का खाद होना चाहिए। साथ में आप मिलाएंगे इसमें 1 ग्राम प्रति किलो मिट्टी हल्दी, 1 ग्राम प्रति किलो मिट्टी में खाने वाला चूना, और 0.5 ग्राम प्रति किलो मिट्टी में काली मिर्च का पाउडर। तो इन सभी को मिलाकर जब आप एक अच्छा सा मिक्स बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे शुरुआती दौर से ही अच्छे चल रहे हैं, और यदि पहले से ही आपने तैयारी कर रखा है तो आप आसानी से अच्छे से पौधा ग्रो कर सकेंगे। शुरुआत में यदि ज़्यादा चैलेंज आपको आ रहा हो तो आप पौधों को सेपरेट करके इस तरह से छोटे छोटे थैली में भर कर रख दीजिए। जब ये रूट बॉल सेट हो जाए, लगे कि हाँ अब ये सेट हो चुका है, तो उनको निकाल कर शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि यदि मान लीजिए ये पौधा हमने लगा रखा है, यदि इनको शिफ्ट करना है तो हल्का सा इसमें ऐसे ठुकाई करेंगे तो ये पूरा ही निकल जाएगा। निकलने के बाद इनको आप लगा सकते हैं आसानी से। लगाने के लिए बेहतर होगा कि यदि मिट्टी में पहले से ही मिक्स में आपने भर दिया, भरने के बाद यदि इसे हल्का सा मॉइस्ट कर दिया और एक दिन छोड़ दिया, और अब अगले दिन दोपहर के बाद यदि आप पौधा लगा देंगे तो भी आपका पौधा अच्छा चलेगा। और यदि ऐसा होता है तो आप ज़रूर से संपर्क करें, आप ज़रूर से संदेशा दें, जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकें। आप सभी का बहुत धन्यवाद, पुनः उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।